जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए जी करते हैं करंट अफेयर को स्टार्ट। सबसे पहले वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर लाइट एमिशन। साइंटिस्ट इन रोमानिया सक्सेसफुली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर लाइट एमिशन। 1/10 ऑफ द पावर एमिनेटिंग फ्रॉम द सन दैट इज रिसीव्ड ऑन अर्थ based on groundbreaking inventions of Nobel Physics Prize winner Gerard Mourou and Donna Strickland। तो भाई साइंटिस्ट ने रोमानिया में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर लाइट एमिशन क्रिएट की है। ये नोबेल फिजिक्स प्राइज विनर्स हैं जेराड मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड, उनके द्वारा ये क्रिएट की गई है। दिस द हार्ट ऑफ दिस ग्राउंड ब्रेकिंग लेजर लाइज इन चिरपेट पल्स एम्पलीफिकेशन CPE टेक्नोलॉजी। और ये डेवलप की गई है, आपको मैंने बता दी है, मोरू और स्ट्रिकलैंड जो वहां पे साइंटिस्ट हैं। और जो ये लेजर है ये इंस्टॉल की गई है एक सेंटर में नियर द रोमानियन कैपिटल बुकारेस्ट एंड इट इज ऑपरेटेड बाय फ्रेंच कंपनी थालिस। ऑपरेट की जाएगी फ्रेंच कंपनी है थालिस के द्वारा, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया हैज डिस्कवर्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ओजोन जुपिटर मून ओजोन ऑन जुपिटर्स मून कैलिस्टो। तो भाई जुपिटर का जो मून है कैलिस्टो, वहां पे ओजोन की प्रेजेंस इंडिकेट की गई है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वहां पे ओजोन है। तो ये इंटरनेशनल टीम थी साइंटिस्ट की, उन्होंने डिस्कवर किया है ओजोन कहां पे, जुपिटर्स मून कैलिस्टो। अभी आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि जुपिटर के टोटल कितने मून्स हैं जुपिटर के, ये हमने ज्योग्राफी में किया हुआ है। तो जुपिटर पे टोटल कितने मून्स हैं, कैलिस्टो पे क्या किसकी प्रेजेंस, ओजोन की प्रेजेंस इंडिकेट की गई है। नेक्स्ट आ जाओ, नासा इज गियरिंग अप फॉर अ टोटल सोलर एक्लिप्स व्हेन द मून शेडो विल फॉल अक्रॉस अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो क्या है, सोलर एक्लिप्स है क्या होएगा, जिसके लिए नासा ने दो जेट प्लेन्स WV-57 जो इक्विप्ड होंगे विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको डिप्लॉय किया गया है टू ट्रैक द एक्लिप्स। एक्लिप्स को ट्रैक करने के लिए उनको डिप्लॉय किया गया है और स्टडी करेंगे सन्स आउटर मोस्ट एटमोसफियर को, जिसे बोला जाता है कोरोना। कोरोना को स्टडी करने के लिए और टू ट्रैक द एक्लिप्स दो जेट प्लेन्स नासा के द्वारा डिप्लॉय किए गए हैं, WV-57 जेट प्लेन्स। नेक्स्ट आ जाओ, रिसर्चर्स एट द IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उन्होंने डिजाइन किया है हाइड्रोजेल, जो आप फोटो में देख रहे हो ये हाइड्रोजेल है जिसे डिजाइन किया गया है टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम द वॉटर। इट ब्लाइंड द कंटेमिनेंट्स एंड डिग्रेड देम यूजिंग UV लाइट इरेडिएशन। तो जो ये हाइड्रोजेल है ये क्या करेगी, वाटर से जो माइक्रोप्लास्टिक्स है उनको रिमूव करेगी। ये डिजाइन किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, MEN-5CV वैक्सीन। नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट द रेवोल्यूशनरी न्यू MEN-5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस के ऊपर ये जो वैक्सीन है ये बनाई गई है, ठीक है जी, किसके द्वारा, नाइजीरिया के द्वारा। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल 5 स्ट्रेन्स। जो भी ये मेनिनजाइटिस के 5 स्ट्रेन्स हैं AC, W, Y, and X, उनसे प्रोटेक्ट करेगी ये। देखने की क्या बात है, ये जो डिजीज है ये कैसे होती है, द डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय मेनी डिफरेंट पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस, बट द हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन इज सीन विद द बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। और जो ये वैक्सीन है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, 13-year पार्टनरशिप बिटवीन पाथ एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये जो वैक्सीन है ये मैन्युफैक्चर की गई है, डेवलप की गई है पाथ और द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या की गई है, डेवलप की गई है। कौन सी वैक्सीन, MEN-5CV वैक्सीन, किसके लिए, अगेंस्ट मेनिनजाइटिस के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, गाया BH3 एस्ट्रोनोमर ने डिस्कवर की है लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल ये डिस्कवर्ड इन द मिल्की वे विद अ मास 33 टाइम्स दैट ऑफ सन्स। दिस सो कॉल्ड स्लीपिंग जायंट नेम्ड गाया BH3 हैज अ मास दैट इज नियरली 33 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ सन एंड इज लोकेटेड 1926 लाइट ईयर अवे इन द एक्वेला कॉन्स्टेलेशन। तो ये सेकेंड क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल अर्थ का, इससे पहले जो हमारे क्लोजेस्ट ब्लैक होल है वो कौन सा है, गाया BH1 और उसका जो लोकेशन थी वो 1500 लाइट ईयर दूर था हमसे और उसका मास कितना था 10 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ सन। और जो ये BH3 है गाया जो अभी हमने डिस्कवर किया है जिसे स्लीपिंग जायंट गाया BH3 नाम दिया गया है, वो 33 टाइम्स उसका मास सन का
33 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी, याद रखिएगा कौन सा, गया BH3। ये नया हमने क्या देखा है, ब्लैक होल डिस्कवर किया है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया में स्ट्राइक अ डील विद एनवीडिया टू सोर्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट फ्रॉम द यूएस मैन्युफैक्चरर। ये है क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है। पीपल इन द नो ऑफ द मैटर सेट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU अलाउ द पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर फास्टर कंप्यूटेशन कंपेयर्ड टू CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इंडिया की डील है जिसमें एनवीडिया के साथ डील की जाएगी, जहां पे ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट इंडिया को प्रोवाइड करवाया जाएगा यूएस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। तो ये डील है एनवीडिया के साथ, ठीक है जी, जिसमें GPU प्रोवाइड करवाया जाएगा। एनवीडिया के साथ ये डील हुई है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूवी कॉल। एस रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्री क्वालिफाइड अ न्यू ऑल वैक्सीन फॉर कॉलरा कॉल्ड यूवी कॉल एस। तो ये नई वैक्सीन है, ऑल वैक्सीन है कॉलरा के लिए। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यू बायोलॉजिक्स CEO लिमिटेड इन साउथ कोरिया। और जो ये डेवलपमेंट है यूवी कॉल एस की, ये कोलेबोरेशन थी यू बायोलॉजिक्स, द इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट IVI और द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इनके बीच में कोलेबोरेशन थी, उसके ये जो कोलेबोरेशन थी उनके द्वारा ये डेवलप की गई है यूवी कॉल एस, जो ये हमारी वैक्सीन है, ठीक है जी, कॉलरा के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नासा सक्सेसफुली लॉन्च इट्स एडवांस्ड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट ACS3। न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। इट इज अ नासा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन डिजाइन टू करेक्टराइज सोलर सेल स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर स्मॉल स्पेसक्राफ्ट। तो फ्यूचर के लिए स्मॉल स्पेसक्राफ्ट के लिए टू एंगेज इन अ डीप स्पेस मिशन में ये एंगेज किए जाएंगे। रिक्वायरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन लो थ्रस्ट प्रोपल्शन ACS3 विल डिप्लॉय अ सेल और द साइज ऑफ अ स्मॉल अपार्टमेंट। तो जो साइज होगा अकॉर्डिंगली, तो स्मॉल अपार्टमेंट फ्रॉम अ टोस्टर ओवन साइज स्पेस। तो ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा ACS3, कहां से, न्यूजीलैंड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्चर्स फ्रॉम द कैस्ट कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने डेवलप किया है हाई एनर्जी हाई पावर हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरीज जो स्किन्स में सेकंड्स में चार्ज हो जाती है। और दिस इन्वेंशन हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफर द एनर्जी स्टोरेज सेक्टर बाय ऑफरिंग अ वायबल अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज। तो जो लिथियम आयन बैटरीज है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इन बैटरी से, इतनी ये क्षमता रखती है। सोडियम इज नियरली 500 टाइम मोर प्रेवलेंट देन लिथियम गिविंग इट अ मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल चॉइस। तो ये कोरिया के द्वारा, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है हाई एनर्जी हाई पावर सोडियम आयन बैटरी। पहले जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ये उनसे काफी कम टाइम में चार्ज हो जाएंगी और ये मोर अफोर्डेबल होंगी, एक्सेसिबल चॉइस होगी जो हमारी ये सोडियम बैटरीज होंगी, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड द मोस्ट डिस्टेंट नोन इंस्टेंस ऑफ जायंट फ्लेयर फ्रॉम अ मैग्नेट स्टार टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। ये एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है, काफी जायंट फ्लेयर थी इसके द्वारा, ठीक है जी, विद अ इमेंसली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी। और जो ये मैग्नेटार है, ठीक है जी, ये कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, मैसियर 82 M82 गैलेक्सी, जिसे बोला जाता है साइजर गैलेक्सी भी बोला जाता है उसे, ठीक है जी। द फ्लेयर अ सर्ज फॉर गामा रेज रिलीज्ड एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 10,000 ईयर्स ऑफ अवर सन्स आउटपुट इन जस्ट 10th ऑफ अ सेकेंड। तो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है, एक जायंट फ्लेयर को डिटेक्ट किया है मैग्नेटार को, बट ये टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है जो कहां पर रिसाइड कर रहा है, मैसियर 82। इस गैलेक्सी को क्या बोला जाता है, साइजर गैलेक्सी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन फॉर द मेलानोमा अंडरगोइंग phase 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इन द यूनाइटेड किंगडम। द वैक्सीन डेवलप बाय, जो ये वैक्सीन है ये देखते हैं किस चीज के लिए है, ये डेवलप की गई है मॉडर्ना मर्सक शार्प एंड डोम के द्वारा, MSD के द्वारा। इज डिजाइन टू हेल्प पेशेंट्स इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट रिमेनिंग कैंसरियस सेल्स आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर। तो जो भाई ये स्किन कैंसर है उसके लिए ये, इसमें क्या किया जाएगा, इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जो रिमेनिंग कैंसरियस सेल्स होंगे उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये स्किन कैंसर के लिए वैक्सीन है हमारी जो बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, ये बनाई गई है मॉडर्ना एंड मर्सक शार्प एंड दोहमे के द्वारा, MSD के द्वारा। तो ये क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करेगी और जो रिमेनिंग कैंसरियस सेल्स होंगे, कैंसर सेल्स होंगे स्किन में से, उनको एलिमिनेट करेगी, ठीक है जी। जो मेलानोमा है ये टाइप ऑफ स्किन कैंसर है जो मेलन
मेलनकोसाइट से डेवलप होता है, ठीक है जी। याद रखिएगा ये कैंसर के लिए दवाई है, वैक्सीन है, जो डिजाइन की गई है एमएसडी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, साइंटिस्ट फ्रॉम अट्रैक्ट यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड अ डिवाइस दैट कैन मिमिक द ब्रेन सिनेप्सिस विद द हेल्प ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर, जो क्या कर सकती है, नकल कर सकती है ब्रेन के सिनेप्सिस की विद द हेल्प ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर। और ये डिवाइस जो होगा वो सिर्फ 150 से 200 माइक्रोमीटर का होगा, विच रिलाइज ऑन द ओनली ऑन सॉल्ट एंड वाटर टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन मच लाइक अवर ब्रेन्स, ठीक है जी। याद रखिएगा सिर्फ साइंटिस्ट जो कहां से है, अट्रैक्ट यूनिवर्सिटी नीदरलैंड, उन्होंने डेवलप किया है डिवाइस जो मिमिक कर सकता है ब्रेन के सिनेप्सिस की विद द हेल्प ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर। द डिटेल्स रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिक डिवाइस हैव बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस PNAS। याद रखिएगा भाई ये, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ रिमार्केबल रेवलेशन फ्रॉम स्पेस नासा लैंडसैट 8 सैटेलाइट हैज कैप्चर्ड अ स्टनिंग इमेज ऑफ 69 ईयर ओल्ड इंपैक्ट क्रेटर लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो भाई ये ले का क्रेटर, तो इसका नाम क्या है क्रेटर का, लूना, आफ्टर नियर बाई विलेज इज अ जियोलॉजिकल मार्वल दैट हैज पिक द इंटरेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एंड एंथुसियास्टिक्स अलाइक। तो नासा का जो लैंडसैट 8 सैटेलाइट है उसने इसकी इमेजेस, स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की हैं, जो 69 ईयर ओल्ड क्रेटर है, कहां पे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ये जो आप देख रहे हो ये है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी, क्रेटर लेक है। तो इसकी फोटोज कैप्चर की है नासा के लैंडसैट 8 सैटेलाइट ने। दोस्तों ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर थे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से ही पीडीएफ को ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।